हे गाइस, वेलकम बैक टू अनी व्लॉग्स। सो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ बरसार, और एक मेहता अंकल है जो हमारे साथ रैकेट खेलते हैं, तो वो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर है थलीसेन के, वो पूरे थलीसेन ब्लॉक को हैंडल करते हैं। तो बरसार भी उन्हीं के अंडर में आता है, इसलिए उन्हीं के डिपार्टमेंट में किसान मेला हो रहा था बरसार में, क्योंकि बरसार वैसे भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत आगे है। तो इसी बहाने आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा कैसा है। मिलते हैं सीधा बरसार में। बाय टीटू। तो फाइनली गाइज, हम निकल चुके हैं भरसार के सफ़र पर। तो बीच में बहुत तेज़ हवा चल रही थी। मैं भरसार के कॉलेज के कैंपस में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइज, क्योंकि मैंने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और नेचुरल ब्यूटी है, मतलब क्योंकि बच्चों ने बहुत अच्छे से डेकोरेट कराया है वहाँ। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है और लोगों से मुलाकात होने वाली है, और उसके मुझे अंकल ने बताया था कि वहाँ प्रोग्राम भी होंगे, तो प्रोग्राम देखने के लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो बीच बीच में रास्ते में हमें बहुत ज़्यादा बुरांस के फूल मिले, जो कि मुरझा रखे थे। अगर 10-15 दिन पहले आता तो मैं आपको खिले हुए फूल दिखा सकता। तो जैसे ही मैंने भरसार के कॉलेज के कैंपस के अंदर एंट्री करी, तो मैं इतना शौक हो गया ना, मतलब कि इतनी ज़्यादा प्यारी जगह है, लगता नहीं था कि भरसार में ऐसी जगह हो, क्योंकि जब भी हम भरसार के रास्ते जाते थे केवल गेट ही गेट दिखता था, अंदर कभी नहीं दिखता था। लेकिन मुझे क्या पता कि इतना ज़्यादा फैल रखा है। आवधिता बुलुआवा नांगे धरती की दगावा डाली पानी पानी लगावा आवा जब तुम नाव की जानी कि पन नहीं होंगे, वृक्ष नहीं होंगे, बरखा नहीं होली तो हम तो पानी नहीं मिलेगा। और पानी का कोई अभी दूसरा विकल्प नहीं बना है कि हम पानी को पैदा कर सके। पानी प्राकृतिक पानी प्राकृतिक और प्रकृति हम तो पानी देंगे। और ये नाश्ता करते हुए यहाँ पे पानी है, वहाँ है ना है सर, वहाँ धन्यवाद। धान की चक्की, आटे की चक्की, नई टेक्निक के साथ, नई तकनीक के साथ कैसे आगे बढ़ेंगे उसके बारे में जानकारी अपनी मनोरंजक जानकारी पर चाहिए आपको पहुँचाएंगे। आप हमारे अतिथि पहुंचे हैं उद्यान विभाग के स्टॉल में, हमारे अतिथि पहुंचे हैं हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री जो डिपार्टमेंट है भरसार महाविद्यालय का, तमाम जानकारी देने हमारे अतिथि पहुंचे हुए हैं और जानकारियां दे रहे हैं। लेकिन हम इससे दूर नहीं जा सकते, तो क्या प्रयोग हो रहे हैं इसी के बारे में जान। और अब हमारे अतिथि पहुंचे हैं कृषि विभाग के स्टॉल की ओर, कृषि विभाग विकास खंड थलीसेन का ये स्टॉल है। बीएसएस सर और सारा जो भी है, हम लोग जितने भी हमारे पल्स वाले विकास खंड प्रभारी मेहता जी के नेतृत्व में ये स्टॉल लगा हुआ है, वो 50% हम देते हैं। बाकी जितने छोटे जानकारी हमारे अतिथि को जुटाई जा रही है कि किस तरीके से थलीसेन में भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। पशुपालन विभाग का स्टॉल जहाँ पर डॉक्टर ए के सिंह के नेतृत्व में कंसेप्ट वो पीजीएस प्रणाली का पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। अब हमारे तमाम अतिथि पहुंचे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के स्टॉल में, बेचते थे और ऑर्गेनिक होने के बाद ऑर्गेनिक में अच्छा मिल रहा है, 80-90 रुपए केजी के हिसाब से। अच्छा, ये जो दाना उसको बना के उसमें 80-90 रुपए किलो। उसके बाद हमारे अतिथि अब अंतिम जो हमारा स्टॉल लगा हुआ है यंत्रीकरण के सप्लायर है, माउंट वैली ट्रेडर्स का ये स्टॉल है। वी आर वर्क सिंस लास्ट 15 इयर्स, हमारे किसानों को फार्म मशीनरी प्रोवाइडर है, और हमारी परंपरा है कि हम किसी भी काम को शुरू करते हैं तो हम ईश्वर का नमन करते हैं, दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। इस भाव के साथ हम सब लोग एकत्रित हुए हैं कि जितनी भी योजनाएं हैं हमारे जो काश्तकार हैं उनको, बहुत सारी स्कीमें भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे किसान भाई हैं, भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही जितनी भी हमारी स्कीमें हैं उन सभी से आप लोग लाभ ले रहे होंगे। कृषि यंत्रीकरण से सबसे ज़्यादा अगर लाभ हुआ है तो हमारे पहाड़ के बहनों को हुआ है, माताओं को हुआ है, क्योंकि जो हमारी अर्थव्यवस्था है कृषि की, पहाड़ी खेती की, वो जो है हमारी माताओं पर बहनों पर निर्भर करती है।
कैसा रहा आपका कार्यक्रम? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। ऐसे कार्यक्रम रोज रोज ऑर्गेनाइज होने चाहिए। तो दीदी कुछ बताओ के बारे में जो आपने प्रोडक्ट सुना है। तो ये हमारा स्टॉल है, इस पे हमारे बहुत सारे ये सामान है, जैसे गुलाब्स का जूस है, माल्टा का जूस है, और एक पौधे के बिस्किट्स, चॉकलेट्स बोथ डार्क एंड वाइट, और ये मिर्च का चार भी है। सो ये हमने खुद बनाया है। तो आप कोका सीड्स खुद ही उगाते हो कि बाहर से इंपोर्ट करते हो? नहीं, हम सीड से नहीं बनाते, हम कंपाउंड खरीदते हैं और उसको फिर प्रॉपर जैसे वाइस। देखो कितने सही है, मतलब पहले जमाने से चलता आ रहा है मंडवा, तो उसको ट्रेडिशनल उसको बनाए रखना चाहिए, उसको अच्छे वे में मार्केट करा ताकि ज्यादा लोग, मतलब जो उसका एक्चुअल टेस्ट है उसको हमने कंजर्व करके एक नया सामान बना के वी आर सेलिंग इट। सही है। और ये स्प्रिंग रोल है? हाँ, ये इनका है। तो ये किससे होने है? मतलब ये मैदा है ना? मैदा ही है। हाँ, सही। तो ये लग रहा है कि बेक्ड है? बेक्ड है, मतलब हाफ बेक्ड है, हाफ। सही है। ये सारे सब्जियों के बीज है और ये पहाड़ों के लिए है ऑर्गेनिक, सब हाइब्रिड बीज है ये। हाइब्रिड तो गाइस आज बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन कॉल पर प्रेस करना। मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग में। बाय। बाय।